सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ओके, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव टू एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। दो एग्जांपल देने हैं सबके। तो फर्स्ट है हमारा फूड प्रिजर्वेटिव्स। फूड प्रिजर्वेटिव्स मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा ये सब्सटेंस ऐसा है जो हम लोग यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बहुत दिनों तक उसको स्टोर करने के लिए। तो वो दो सब्सटेंस क्या क्या है? पहला सब्सटेंस है सुगर, दूसरा है कॉमन सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वो सब्सटेंस है जो कि यूज होता है किसी भी चीज को जलाने के लिए, ठीक है। तो फ्यूल हम लोग क्या चीज कैसे क्या यूज करते हैं? सबसे पहला चीज है एलपीजी। एलपीजी जो हमारे घर पे जो गैस सिलेंडर यूज होता है वो है एलपीजी। और दूसरा सब्सटेंस हो जाता है जो हम लोग अपने गाड़ियों में यूज करते हैं, पेट्रोल। ओके, नेक्स्ट है फंगिसाइड्स। फंगिसाइड्स जो फंगाई को मारने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा पहला सल्फर और सेकंड है बोर्डेक्स मिक्सचर। बोर्डेक्स मिक्सचर। नेक्स्ट है मेडिसिंस। मेडिसिंस हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं, उनमें से हम लोग को सिर्फ दो का एग्जांपल देना है मेडिसिंस में। तो पहला एग्जांपल है हमारा एंटीबायोटिक्स, और सेकंड है पेन किलर। बच्चों, मैं बस वही बता रही हूँ जो आपको इजीली याद हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ दो एग्जांपल्स, वही एग्जांपल्स सिर्फ ले रही हूँ ताकि आपको याद करने में इजी हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देना है हमें बिल्डिंग मटेरियल्स का। तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो जो मटेरियल यूज करते हैं, तो पहला उसमें से हमारा सबसे पहले तो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा इजिली हम याद कर सकते हैं ग्लास। नेक्स्ट है केमिकल, जो वॉर्स वेपन जो होता है ना, जो हथियार होते हैं उसमें कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो वो हमारा सिंपल है टीएनटी और दूसरा है आरडीएक्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर टू पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, गिव शॉर्ट आंसर्स। व्हाट इज साइंस? फर्स्ट क्वेश्चन, तो साइंस क्या है? तो साइंस इज द नॉलेज अबाउट वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन वेरियस नेचुरल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस। तो साइंस मैंने इससे पहले जो वीडियो था उसमें भी मैंने डिस्क्राइब किया था कि साइंस एक नॉलेज है जो नेचुरल प्रोसेस से ऑब्जर्व किया जाता है और उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है अच्छे से, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है। ओके, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज उसमें जाइए, और ताकि आपको सारा टॉपिक्स जो भी है वो अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने उसमें सारे डिटेल्स में बताए हैं। ओके, और साइंस को इस तरीके से भी हम लोग बता सकते हैं कि साइंस इज द सिस्टमैटिक एफर्ट बाय ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल नेचर थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन फॉर देयर ओन यूज। साइंस एक एफर्ट है ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, जो कि हम लोग नेचर को किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्वेशंस करके उसको कंट्रोल करते हैं और अपने यूज के लिए उसको यूज करते हैं,
अपने तरीके से उसको यूज करते हैं, ठीक है, उसको भी साइंस बोलते हैं। साइंस को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है साइंस को। मैंने यहाँ पे सिर्फ दो तरीके बताए हैं जो आपको इजी लगे वो आप वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द, क्या चीज़ का स्टडी हम लोग करते हैं, स्टडी ऑफ द कंपोजिशंस, जो कंपोजिशन रहता है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन विद अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस रिएक्शन कैसे होगा। तो स्टूडेंट ये मैंने पॉइंट में इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में इजी हो। और साइंस में क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ को अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उसको समझने में और याद करने में दोनों ही इजी होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फ्यूल? तो फ्यूल क्या है? द सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हीट एनर्जी। मैंने इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया फ्यूल क्या है, कि जो भी ऐसा सब्सटेंस है जो हम लोग कुछ जलाने के लिए यूज करते हैं, जलाने मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो, ठीक है, तो प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है, हाउ इज केमिस्ट्री हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग? केमिस्ट्री हमारे हेल्थ के लिए क्या इम्प्रूवमेंट लाता है, ठीक है, तो वो कैसे इम्प्रूवमेंट लाता है, बाय प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करता है हम लोगों को, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करता है जब हम लोग बीमार होते हैं, ताकि वो उससे एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि जो भी हमारे अंदर बैड बैक्टीरिया घुस गए हैं उसको वो लड़ सके उससे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के से हमारा हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। अगर हमें कहीं पेन है तो पेन किलर्स देते हैं ताकि वो पेन हमारा ठीक हो जाए, हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा। फिर विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, ये सब तरीके से हम लोगों को केमिस्ट्री प्रोवाइड करता है ताकि हमारे हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिल सके। और इसके अलावा बहुत कुछ हैं, बहुत सारे मेडिसिन्स ऐसे भी हैं जो हम लेते हैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया एंड मेनी मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एल्केमी? तो एल्केमी क्या था, मैंने फर्स्ट पहले लेक्चर में भी बताया है कि एल्केमी इज अ फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री इन द मिडिल एजेस विच इन्वॉल्व ट्राइंग टू डिस्कवर हाउ टू चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड, ऑर्डिनरी मेटल को गोल्ड में कैसे चेंज किया जा सकता है। ओके, या फिर इसको ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं कि एल्केमी वॉज एन अर्ली फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल फील्ड ऑफ स्टडी दैट इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री विथ मेटल वर्क, ठीक है, ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल केमिस्ट्री है स्पिरिचुअल फील्ड का जो कि मेटल वर्क से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डिड एल्केमिस्ट्स डू? तो एल्केमिस्ट क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करते थे? सबसे पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, एल्केमिस्ट कंसिडर टू बी अर्ली केमिस्ट। ये क्या है, अर्ली केमिस्ट थे, दे यूज्ड ऑल जनरल टेक्निक्स ऑफ केमिस्ट्री इन हीलिंग ह्यूमन्स। वो क्या यूज़ करते थे, बहुत सारा चीज़ यूज़ करके करते थे ताकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी हीलिंग की जा सकती है, ठीक है, हीलिंग मीन्स उनको ठीक किया जा सकता है कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो। देयर कंट्रीब्यूशन प्रूव्ड वैल्यूएबल टू सोसाइटी एंड इन द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही वैल्यूएबल था सोसाइटी के लिए, और ये चीज़ प्रूव कर दिया गया था कि ये बहुत वैल्यूएबल है और बहुत ही एडवांस में इसको यूज़ किया जा सकता है बाद में, इसीलिए इनको फिर बहुत सारे फील्ड में इनका इम्पोर्टेंस हुआ था। बहुत सारे चीज़ जो अभी भी हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री में इनको फिर से यूज़ किया गया था, इनका जो टेक्निक्स था। व्हाट इज़ फिलोसोफर्स स्टोन? फिलोसोफर्स स्टोन क्या था? तो उनका जो एल्केमी था, जो उनका गोल क्या था, द गोल ऑफ एल्केमी वॉज टू फाइंड ए मैथिकल एंड मैजिकल सब्सटेंस कॉल्ड फिलोसोफर्स स्टोन। हाँ, तो उनका गोल था कि एक मैजिकल स्टोन मिल जाए जो कि गोल्ड जैसा होगा, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या, जो फिलोसोफर स्टोन उन्होंने नाम दिया था उसका, वो लिटली स्टोन नहीं था, वो वैक्स था, ठीक है, वैक्स था या फिर कोई लिक्विड था या फिर कोई पाउडर था ऐसा।
व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्केमी एंड केमिस्ट्री? केमिस्ट्री और एल्केमी में मेन डिफरेंस क्या है? एल्केमी क्या है? बोथ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल, एल्केमिस्ट नेवर सेपरेट देम, वो दोनों को सेपरेट नहीं कर पाए। लेकिन जो केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री हमारा, सिर्फ साइंटिफिकली उसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या कमी था? लैक्ड ए कॉमन लैंग्वेज फॉर इट्स कंसेप्ट एंड प्रोसेसेस। इसमें बहुत ही कुछ कुछ कमी थे, ताकि उन लोग अपने जो कंसेप्ट रहते थे उसको समझा नहीं पाते थे, और उनका प्रोसेस भी उतना अच्छे से वो बता नहीं पाते थे। तो फिर केमिस्ट्री क्या है? कम्प्लीटली इससे बहुत ही एकदम डिफरेंट है। जो पहले ज़माने में इन लोग ट्रेडिशनली बहुत सारे चीज़ यूज़ करते थे, उससे बहुत ही एकदम डिफरेंट है। लेकिन क्या है, जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वो ये एल्केमी से ही आया है, लेकिन फिर भी उनसे काफ़ी डिफरेंट है ये। ठीक है, एलॉयज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स विथ अदर मेटल एंड सब्सटेंस। जो एलॉयज है वो फॉर्म होता है, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिलाएंगे तो एलॉयज फॉर्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट आई, नेम द केमिकल विच हेल्प इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन फील्ड में जो है वो, उसमें क्या क्या केमिकल्स यूज करते हैं? तो पहले तो फूड प्रोडक्शन में हमारा फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स में क्या क्या यूज होता है? यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, पोटाश, अमोनियम फॉस्फेट, ETC, ऐसे बहुत सारे जो हैं फर्टिलाइजर्स उसको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड में एल्ड्रीन, मेलाथियन, ठीक है, पेस्टिसाइड्स में ये दोनों यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स हो जाता है DDT और BHC। फिर फंगिसाइड्स हो जाता है सल्फर और बोर्डेक्स मिक्सचर और ATC, बहुत सारे चीज़ें से हैं जो फंगिसाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नेम सिक्स सच प्रोडक्ट विच वी यूज़ डेली। हम लोग रोज जो यूज़ करते हैं वैसे कितने कुछ सिक्स प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं। तो डेली हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? सोप, पेंट्स, पेन, टूथपेस्ट, जैम, कुकिंग ऑयल, पोर्टेबल वाटर, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स भी यूज़ करते हैं, डिश वॉशर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से सिर्फ सिक्स के नेम्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट के, हाउ इज़ द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट टू मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए केमिस्ट्री कितना इम्पॉर्टेंट है? ठीक है, तो सबसे पहला हमारे क्या होता है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड अस विद थिंग्स ऑफ डेली यूज लाइक सोप, डिटर्जेंट, क्लोथ्स, ETC। तो ये डेली यूज में जो हम लोग करते हैं उसमें केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं? सोप, डिटर्जेंट, क्लोथ्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। फिर नेक्स्ट है मेडिसिंस। मेडिसिंस में मेडिसिंस भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, और क्या बनाने के लिए, इन प्रिपेयरिंग फ्यूल्स, फ्यूल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ग्लास, पेपर, पेन, पेंसिल, ये सब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इनको इनके भी बनाने के लिए यूज़ में आता है केमिस्ट्री। फिर डिफेंस में भी यूज़ करते हैं गन पाउडर बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये सारे फील्ड में केमिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैनकाइंड के लिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन द फॉलोइंग फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो उसमें सबसे पहला फील्ड हमारा क्या है? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो इट टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्शन। तो ये इफिशियंसी और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। कहाँ कहाँ पे? मेटल्स का, ठीक है, फिर पेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, एलॉयज, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ETC। इन सारे फील्ड्स में, सारे मतलब इंडस्ट्रीज जो है, मेटल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्रीज में केमिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है प्रोडक्शन और एफिशिएंसी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोथिंग्स। क्लोथिंग में कैसे केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? केमिस्ट्री का यहाँ यूज़ करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, केमिस्ट्री का यूज़ होता है उसमें। क्या करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, क्या होता है, कपड़े बनाया जाता है हमारे लिए, ठीक है।
तो कपड़े कैसे बनता है उसका नॉलेज उसमें कपड़े बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ फाइबर्स टू फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, जो फाइबर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है, पहले जो हमारे पास पहले ज़माने में बहुत पहले एंशियंट टाइम पे सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ करते थे, लेकिन अब क्या है सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज़ करते हैं। तो नेचुरल फाइबर में हमारे क्या क्या आते हैं, जो नेचर से मिलता है हम लोगों को। ठीक है, जैसे कॉटन हुआ, कॉटन का प्लांट होता है उससे हम लोगों को मिलता है, जूट हुआ, सिल्क हुआ, ऊल हुआ। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स से हम लोगों को जो भी फाइबर्स मिलते हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर, और वो नेचुरल फाइबर से कॉटन, जूट, सिल्क और ऊल से बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। जैसे जैसे हो गया साड़ी बनते हैं, फिर बैग्स बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, ये सारे नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में इनको छोड़ के बाकी जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे सिंथेटिक्स होते हैं, जैसे नायलॉन हुआ, टेरिलिन हुआ, ऐसे बहुत से टेरिकॉट होता है, बहुत सारे हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, जैसे कि टॉवल, बेडशीट्स, बैग, कर्टन्स, ईटीसी। तो ये सारे चीज सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री का, कॉस्मेटिक्स बनाने में केमिस्ट्री का बहुत कंट्रीब्यूशन है। क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग कॉस्मेटिक्स में, यूजेस ऑफ टेलकम पाउडर। टेलकम पाउडर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी केमिस्ट्री का देन है। ठीक है, केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसमें से बनता है। फिर स्किन केयर क्रीम, जो क्रीम्स यूज़ करते हैं, लिपस्टिक्स, आई एंड फेशियल मेकअप, ये सारी चीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट्स, लोशन, परफ्यूम्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं जो हम लोग को केमिस्ट्री से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस में क्या क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट हुआ हमारा गन पाउडर यूज़ करते हैं, फिर TNT हो गया, फिर फॉस्जीन हुआ, केमिकल वेपन्स होगा, लाफिंग गैस होता है, ये सारे चीज़ क्या है केमिस्ट्री के देन है, सब कुछ केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेडिसिंस। मेडिसिंस हमारे केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या क्या होता है मेडिसिंस में, हेल्प इन फाइटिंग डिजीजेस, डिजीज फाइट करने के लिए मेडिसिंस यूज करते हैं और हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाता है ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या क्या होगा, एस्प्रिन, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, ETC, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेडिसिन। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, सबके नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, बस ये सिंपल सा कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हु इज, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड वाई। तो रॉबर्ट विलियम बॉयल इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। रॉबर्ट विलियम बॉयले को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कोई कंट्रोल कंडीशन में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस रिसर्च को उन्होंने डिटेल्स में पूरे अच्छे से प्रोसीजर के साथ और क्या क्या एपरेटस, क्या क्या सामान उसमें उन्होंने यूज किया और उनको क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिला, ये सारे चीज उन्होंने डिटेल्स में रिसर्च में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो और क्या किया था उन्होंने, ही पुट केमिस्ट्री ऑन ए फ्रेम साइंटिफिक फुटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम एल्केमी इनटू वन बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स। तो और इन्होंने क्या किया था, केमिस्ट्री को एक अलग प्लेटफॉर्म में बताया था उन्होंने, कि एल्केमी में उन लोग सिर्फ बताते थे ये ऐसे स्पिरिचुअली उन लोग बताते थे, लेकिन इन्होंने एक मेजरमेंट्स के थ्रू इन्होंने केमिस्ट्री को प्रूफ किया साइंटिफिकली कि इसमें कोई भी चीज़ को हम लोग कोई मेजरमेंट से यूज़ करेंगे तो फिर हम लोग को कुछ और कंपाउंड और सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने डेफिनेशन दिया एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर का, इन्होंने डेफिनेशन बताया कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड को कैसे डिफाइन करते हैं और मिक्सचर को कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या है, एटम्स। एटम्स कौन डिस्कवर किया है, जॉन डेल्टन। ओके, ऑक्सीजन, जोसेफ प्रिस्टली।
सेफ्टी लैंप सर हम्फ्री डेवी, और एलिमेंट्स कौन है, एंटोनी लेविसन। तो ये सारे साइंटिस्ट हैं, इनकी डिस्कवरीज हैं। ओके नौ बच्चों, अब मैं कुछ आपको होमवर्क देती हूँ इतना पढ़ने के बाद। मैं अब ये फिल इन द ब्लैंक्स और एक ट्रू फॉल्स है वो होमवर्क देती हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है कि डैश डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंज इट अंडरगोस। ठीक है, ये डैश में क्या होगा। डैश हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड प्रोडक्शन में क्या हेल्प करते हैं। फूड आइटम्स लाइक जैम्स एंड पिकल्स आर प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग डैश। क्या यूज़ करते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। एलपीजी इज यूज फॉर, एलपीजी कहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर इनर्ट गैस वे डिस्कवर्ड बाय, इनर्ट गैस कौन डिस्कवर किया है। फिर नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, डीडीटी इज एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स। डीडीटी क्या इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, ट्रू और फॉल्स। एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय आवर बॉडी आर केमिकल्स, जो एंजाइम्स हम लोगों के बॉडी में बनता है वो क्या केमिकल है, ट्रू और फॉल्स। ओके बच्चों, इतना आप होमवर्क कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे। होमवर्क का यहाँ तक है बस ये एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एंड थैंक यू।